हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ मार्केट अपडेट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं चार स्टॉक्स आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा। ये स्टॉक्स मैं आपको ऑलरेडी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर डाल चुका हूं, बट मेरे हिसाब से पढ़ने में एंड मेरे खुद के एक्सप्लेन करने में वर्बली काफ़ी डिफरेंस है। तो इस वीढियो को एंड तक देखने का जरूर ट्राई करना। 2-2.5 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। एंड स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस वीडियो को रीच मिले। एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाकर डालता रहूँ। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास बजाज फिनसर्व स्क्रीन पे खुला हुआ है। बजाज फिनसर्व में गाइस वीकली चार्ट पर अगर आप देखो तो 2021 से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जिसको आप नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओ तो आप बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। अब यहाँ से दो केसेस बनते हैं। एक केस तो बनता है कि जी यहाँ से ये एक छोटा सा ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले, जो कि ऑलमोस्ट 1500 के आसपास आएगी। दूसरा केस बनता है कि हम लोग जो पिछले वीक का हाई था, नॉट दिस वीक्स हाई, इससे भी पिछले वीक का जो हाई था उसको एक बार टेस्ट करके ब्रेक कर दे। अच्छा, वो ब्रेक कब होगा? 1750 के ऊपर वो ब्रेक हो जाएगा। एंड जब वो ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल अपसाइड खुल जाएगी 1820 एंड 1930 की, जो कि आई थिंक हमारे पास पिछला ऑल टाइम हाई था उस तक की। ठीक है, ये जो केस है सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रिगर होगा जब 1750 ब्रेक करेगा, अदरवाइज ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट अभी के हिसाब से कैंडल देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, बट पर्सनली मैं इतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूं कि ये इतना बेयरिश होना चाहिए। तो होपफुली इस हफ्ते के अंदर हमको ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लोग अदानी एंटरप्राइजेस की। अदानी एंटरप्राइजेस पे गाइस सिमिलरली अगर आप लोग नोटिस करो तो इसको एक मंथली चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो थोड़ा इजी रहेगा। क्यों इस चीज को नोटिस करते हैं? अच्छा, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा कि इस लाइन से ऊपर, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो तो इस लाइन से ऊपर हमारे पास कोई भी मंथली कैंडल क्लोज नहीं था। एंड इस मंथ का जो कैंडल, दिसंबर का कैंडल क्लोज हुआ, वो वेल अबव दिस मतलब दिस लेवल एंड जो पिछला हाई था उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो क्लियरली हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली इसकी जो पोटेंशियल अपसाइड है वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए 3000, जो कि एक साइकोलॉजिकल सब रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल टारगेट टारगेट है। एंड उसके बाद 3250, ये टारगेट मैंने कहाँ से निकाला है? इस बॉटम से लेके इस हाई तक की मैंने एक फिबनाची ड्रॉ की है। एंड उसकी भी फर्दर जो एक्सटेंशन होती है 127%, 161%, 200%, वो लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं। तो 127.2% जो है वो 3250 के आसपास आ रहा है, एंड दैट इज वाई मेरा टारगेट नंबर 2 हो जाएगा। एंड वैलिडेशन अगर 2750 के नीचे, जो कि आई थिंक करंट लेवल से 100 पॉइंट नीचे, कोई भी वीकली कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो हमारा ये जो बुल व्यू है वो वहां से इनवैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंशन पर चल रहा है, क्योंकि जब से इसने ब्रेकआउट लिया बहुत अच्छा है, इसने अप मूव दिखाया है। 4000 से ऑलमोस्ट 7000 पर आने वाला है, 6800 पर एक क्लोज हुआ है। एंड आई थिंक 6950 से 7000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 200 का फिबनाची लेवल भी है, 200% का फिब लेवल है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। एंड देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग पहले अपसाइड को टेस्ट करें, ठीक है, 6950 7000 को हम लोग टेस्ट करें, एंड देन वहां से एक रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो रैली है बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एंड पिछले 4 महीने में इसने बहुत अच्छी पेस भी पकड़ी है, 4600 से 7000 तो कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है, इसीलिए एक साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। एंड दैट इज वाई मेरी तरफ से जो पोटेंशियल डाउन साइड है 6500 एंड 6000, 6000 पर 161% का फिब लेवल भी आ रहा है। ठीक है, तो पहले अपसाइड देन डाउनसाइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। एक बुल फ्लैग जैसा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, मैंने आपको ट्विटर पर बहुत पहले अपडेट किया है ये सेम चार्ट। एंड इस चार्ट के बाद हमारा जो टारगेट था 800 का था वो हमारा डन हो चुका है। इसके बाद अगर वही सेम चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने नीचे से ऊपर तक फिबनाची मारी है। कहां से कहां तक? इस बॉटम से लेके इस हाई तक की फिबनाची मारी है। 161.8% का लेवल आ रहा है 940, एंड दैट इज वाई ये मेरा पोटेंशियल अपसाइड है। अच्छा, 127 को हम लोग ब्रेक कर चुके हैं, उसके ऊपर हम लोग कैंडल भी क्लोज कर चुके हैं, जो कि 752 का लेवल है। एंड यहां से आगे हम लोग को पोटेंशियल अपसाइड ऑब्वियसली देखने को मिलनी चाहिए। 750 के नीचे कैसे भी अगर वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है तो वो इस बुल व्यू का इनवैलिडेशन होगा। एंड अगर आप सारे चार्ट को आप नोटिस करो तो देखो, जो हमारी रन है हम लोग किस चीज से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बजाज ऑटो 200% फिप के आसपास था, एंड जबकि टाटा मोटर्स जो है वो 127% को जस्ट ब्रेक किया, मतलब इसके पास थोड़ा सा रूम है रन करने के लिए। एंड दैट इज वाई इसके अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल अपसाइड है वो थोड़ी सी बेटर है बजाज ऑटो से।
ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने यहां तक तो देखा होगा, 2-2.5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट स्टिल होपफुली आपने यहां तक देखा ही होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों ने नीचे डाल दिया है, प्लीज ज्वाइन करना, एंड जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।